तो गाइस आज है डे टू, मतलब डे टू क्या यार, डे थ्री हो गया है। और इसके अंदर मतलब जो भी सामान वामान जो भी खुला हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें लग भी गई हैं, थोड़ी बहुत चॉइस करी जा रही है कि क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। तो पूरी गाड़ी जो है भाई वो ऑलमोस्ट पूरी की तरह मतलब प्रॉपर खुली ही पड़ी है। इधर देखोगे तो आप लोगों को भाई पूरे के पूरे जो डैम्पिंग है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ करी है। और जो इसकी मतलब विंडो की इंस्टॉलेशन होने वाली है ना, वैसे तो फ्रंट में आप लोगों को मिलता है, पीछे की साइड में नहीं मिलता, पीछे मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो अभी खैर कुछ नहीं होगा, डैम्पिंग हो गई है। स्पीकर जो भी लगेंगे वो बताऊँगा। एमएल लाइटिंग की ये देखो, ये दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप की आपको एमएल लाइटिंग मिल जाती है। इसके अंदर जो भी पाइप्स रहेंगे ना वो पूरी तरीके से प्रॉपर इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अलॉय व्हील्स अभी लगे नहीं है, ये स्टील व्हील है, उधर की साइड चल के दिखाता हूँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब देखने के लिए कि कैसी लगेगी, बस उस चीज़ के लिए लगा रखी है। इधर पीछे वाले दरवाजे पे देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है, ये सारे का सारा जो भी है शायद मेरे को लगता है कि उसके लिए लगाया जा रहा है। क्या कहते हैं, जो आप लोगों का कंट्रोल रहेगा ना कि विंडो आप लोगों का अप डाउन कैसा रहेगा। और टाटा पंच कुछ इस टाइप की लगती है जब पूरी खुल जाती है, देख लो वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, अच्छा खासा इसमें टाइम लगने वाला है। यहाँ पर पूरा हम लोगों ने स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल लगाने के लिए ये भी खोल रखा है, इसे भी रैप भी करना भी वो भी बाकी है। अंदर की साइड देखोगे तो वो सारी के सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो भी लगने वाला है वो सारा का सारा खुला है। और इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और बढ़िया करी है कि भाई देखो इसके अंदर ना पूरी की पूरी जो फ्लोरिंग है, मतलब जो छत है ना रूफ को, उसको भी पूरी तरीके से भाई इसके अंदर आप लोगों के लिए मतलब डैम्प कर रखा है। अब तो भाई वो चॉइस है आप लोगों के ऊपर, अगर आप लोग करवाना चाहो तो करवा सकते हो, ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो टाटा पंच है जो भाई अभी तक की तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें चीज़ों की जरूरत नहीं है। क्योंकि गेट हिलने का जैसे आप अपग्रेड कराते हो तो होता क्या है कि जो आपके दरवाजे हैं ना वो हल्के रहते हैं, तो मतलब अजीब सी आवाज़ साउंड निकालते हैं। बट इसके अंदर लगवा लोगे तो थोड़ा मतलब सॉलिडनेस भी आ जाता है और अच्छा खासा बेस भी मिलेगा। तो खैर वो आपकी अपनी चॉइस है, वो चीज़ आप लोग लगवा सकते हो। बाकी यहाँ से गाड़ी देख लो भाई, इधर की साइड में भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टॉक इसमें कितना आता है और जो हम लोग लगा रहे हैं वो अलग कौन सा रहने वाला है। तो भाई ये 185/70 R15 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, और देखते हैं इसमें अपग्रेडेशन हो रही है या इसी टायर पे मतलब सिर्फ और सिर्फ अलॉय व्हील लगेगा या फिर जो भी चीज़ है। और फ्रंट से भी एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो गाइस फ्रंट से अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को यहाँ पर ना जो लगने वाला है टॉप वेरिएंट वाली जो हेडलाइट आएगी वो लगेगी। अब उसके अंदर क्या चीज़ें लगेंगी क्या नहीं वो तो भाई अभी पता चलेगा जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और नीचे की साइड आओगे तो भाई ये देखो यहाँ पर अभी लगाया है, अभी कन्फर्म नहीं है कि पूरा का पूरा परमानेंट लगाया, बट एक बार देख करके इसका भी थ्रू मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूँगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि मतलब कैसा रहने वाला है। और ये ब्लू लेंस है, अगर आपको शेड इसके ऊपर देख रहा होगा तो ब्लू कलर की शेड दिख रही होगी। ये कौन सी है, ओरिजिनल लाइट है टॉप मॉडल वाली। तो भाई देखो डिफरेंस देख लो, ये ओरिजिनल वाली है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, और ये आपकी नॉर्मल वाली लाइट है। और ये अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको हेलोजन देखने को मिलती है। अगर QR कोड स्कैन करना है तो वो चीज़ आप करके देख लो। जो पूरा का पूरा बम्पर है भाई वो पूरा का पूरा खुला है, और देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर। यहाँ पर ORVMs अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो ये भी अभी कंप्लीट नहीं है। और अगर ये सेक्शन में अगर आप देखोगे तो भाई ये भी जो आप लोग ये हेलोजन लाइट्स आते हैं बल्ब, अगर आप लोगों को दिख रहा हो किराना बल्ब, तो इसको भी हम लोग पूरा LED करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाएगा। अगर आपको भी अपनी कार में कराना है तो भाई आप बेशक निकू भाई की शॉप पे आ सकते हो। ये कैमरा रहने वाला है, देखो वायरिंग है, वायरिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। जैसा ही लोग कहते हैं कि आप लोग भी बिना कोई भी कटिंग हुए सारा का सारा काम जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर्स लगवाने हो, बेसिकली ये तो मैं मतलब नॉर्मली है जो रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ लाइट पड़ने पे, बट इसके अंदर अगर आप लोग आफ्टर मार्केट लगवाना चाहो या अगर आपका दिल करे तो भाई वो लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई रूफ रेल्स भी अपने पास अवेलेबल है, मैंने शायद आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया हो, देख लो अभी ऐसी लग रही है, लगने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसी लगेगी है। और फिलहाल तो इतना ही काम है, होने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो भाई ये देख लो आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स भी हैं, और अभी तो मतलब कंफर्म नहीं है कि भाई कौन सा लगवाना है कौन सा नहीं, बाकी अभी फिलहाल इसमें लगा। और मैंने बोला ना कि उस वो जो वाला था वो छोटा है, इसको अपग्रेड करा गया 195/60 R16 इंचेस के, मतलब वो 15 इंचेस है, ये 16 इंचेस के रहने वाले हैं। एक ये वाला चूज़ किया है, दूसरा वाला है वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिल जाता है। ये वाला सेक्शन में बता देता हूँ, ये भी भाई सेम वही मतलब टायर सेक्शन जो है 195/60 R16 इंचेस के हैं, और ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब अगर आप मेरी चॉइस पूछो तो ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, वो वाला मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। टाटा का ओरिजिनल अगर आप लोगों को लगवाना है वो लोग, तो फिर बात ये लग है भाई। फिलहाल के लिए ही इतना ही प्रोसेस है, फिर मिलते हैं।